कई नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की शपथ ली है। कई लोग जो हैं उसमें से पिछली सरकार जो ड्रॉप हुए, सुषमा स्वराज, उमा भारती, मेनका गांधी, राजवर्धन सिंह और कुल 37 मंत्री ऐसे हैं जो उस बात को गए। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ और NDA को बहुमत मिला, उसके आधार पर ये सामान्य प्रक्रिया है कि मंत्रिमंडल का गठन होता है। 37 लोगों को, पुराने लोग थे, इन्हीं की सरकार में थे, उनको छोड़ दिया गया है, वो कुछ नए चेहरे लिए गए, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि JDU ने ऑप्ट आउट किया है कि जो पक्षपातपूर्ण किया है, कुछ को ज़्यादा दिया, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो ये इनका NDA का आपस का मामला है। इस पर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता है। सर, एस जयशंकर जो पूर्व विदेश सचिव रहे, 3 साल तक उन्होंने विदेश मंत्रालय में सेवाएं दी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, कैसे देखते हैं? एस जयशंकर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं और चाइना और US में विदेश सचिव के पद पर भी रहे हैं और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई है। ऐसे पहले भी हुआ है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राजनीति के बाहर के लोग हैं, उनको लाकर और किसी मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। अभी तो कोई पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है। सर, असम के अंदर उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, जो उनको तो भारत के नागरिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी असम सरकार से कहा है कि फेयर जो है हियरिंग होनी चाहिए उन लोगों की, बर्दाश्त हो चुकी है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल सिटीजन रजिस्टर है उसमें जो प्रक्रिया चल रही है वो फेयर नहीं है। इससे ज़्यादा विसंगति क्या हो सकती है? एक पूर्व JCO, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर आर्मी में रहा है, जो कारगिल की लड़ाई लड़ी है, उसको भी विदेशी करार देके उनको बाहर भेजा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस पे अपनी नाराज़गी जताई है कि ये किस तरह के आश्चर्यजनक फैसले लिए जा रहे हैं। जो कार्रवाई हो, उसकी प्रोसीडिंग्स हो, वो फेयर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और न्यायोचित होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि जो हैं उनको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, वो रट लगाए हुए हैं और उसी में अंधाधुंध इस तरह की कार्रवाई चल रही है, जो कि बहुत शर्मनाक है। सर, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हुई, तृणमूल कांग्रेस पे आरोप हो रहा है। देखिए, जो बंगाल में कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके अनुरूप, वो घृणा की राजनीति करते हैं, कन्फ्रंटेशन की राजनीति करते हैं, वो टकराव की राजनीति करते हैं, हिंसा की राजनीति करते हैं। उसी का परिणाम है, वहाँ से शुरू हुआ तो वहीं पर चल रहे हैं, लगातार चल रहा है। और इनको राजनीतिक लाभ भी मिला है वहाँ, तो इनको लगता है कि यही नीति ठीक है और इसी को चलाए रखो, उसी भी चालू है। पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ पर इनकी सरकारें हैं विशेष रूप से, या वो जहाँ पर अपना ज़्यादा प्रभाव है, यही हो रहा है। किसी को कहेंगे कि इनके यहाँ गोमांस दिखाई दे रहा था, उनके कब्जे में था, ये खाना खा रहे थे उसमें गोमांस था, पीट पीट के मार डालो। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, उस नीति के ऊपर वो चल रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। सर, आखिरी सवाल आपसे, पंजाब में नया नेता है कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, उनके बीच बयानबाजी का दौर जारी है। ताज़ा मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हार जो हुई है या कोई कहीं कमी रही है तो उसके लिए किसी एक व्यक्ति को, उनको टारगेट करना ठीक नहीं है।
देखिए, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह जरूर एक दूसरे के बयानबाजी हुई है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपनी बात कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में कोई आपस में मतभेद की बात है। वो समीक्षा होती है, अपनी बात पार्टी के अंदर कहनी चाहिए, बाहर कह दी गई, सिर्फ इतना फर्क है, उसके अलावा कुछ नहीं।